हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीआर 31 की ऑफिशियल अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो इससे पहले आज एक बड़ा विश मैं करने वाला हूँ जूनियर एनटीआर सर को, यानी कि एनटीआर गारू को। उनका आज बर्थडे है और उसके मौके पर कल तो एक धमाका हो चुका है और आज का जो धमाका आया है मेकर्स के तरफ से 12:06 पर जो है इसको लेकर एक बिग अपडेट हमको देखने को मिलने वाला है। मुझे लगता है कोई पोस्टर जो है जारी करेंगे बिकॉज फोटोशूट रिसेंटली हुआ था और वीडियो को लेकर या फिर कोई ग्लिम्स वीडियो को लेकर जो है कोई न्यूज मेरे पास नहीं है। बट बैक टू बैक अपडेट आना वो बहुत बड़ी बात है और अंदर से एक्साइटेड मैं इसीलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कलर ग्रेडियंट जो यूज होने वाले हैं वो डार्क रिलेटेड होगा, क्योंकि रिसेंटली जो उनके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने केजीएफ में बताया था कि एनटीआर की एंट्री भी होने वाला है और 3 का फाइनलाइज हो चुका था, जूनियर एनटीआर, यस एंड प्रभास, जो कि क्रॉस ब्रीड होगा आपस में। और सबसे पहले 2 कंफर्म हो चुका है, सलार एंड केजीएफ के बीच में जो है इंटरलिंक होने वाला है, उसके बाद जो है एनटीआर आएंगे। अब कौन से पार्ट में एनटीआर आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट ये फिल्म भी रिलेट होने वाला है केजीएफ से, तो यूनिवर्स तो बनेगा। और बैक टू बैक हीरोज भी अनाउंसमेंट होंगे, रामचरण का भी नाम आ रहा है इसमें, महेश बाबू का नाम आ रहा है, तो काफी सारे कैरेक्टर आगे जाके आने वाले हैं क्योंकि एक मल्टीवर्स बनाएंगे। और प्रशांत नील का जो प्लानिंग है वो अलग ही है। अब पोस्टर जो आएंगे अगर ब्लैक ग्रेडियंट आते हैं तो समझ लेना कि ये जो है रिलेट होगा केजीएफ चैप्टर 3 के साथ। और फिलहाल इसका रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, बट ये समझ लेना 2025 में ही जो है ये वाला जो मूवी है यानी कि एनटीआर 31 जो है रिलीज होगा। और जो भी अपडेट 12:06 पर आएगा हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।